वायर कट गया है, एक चूहे ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। देख लिया करो पहले, वायरिंग चेक हो रही है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राइड फॉर गाइड। मैं विशालन द्वारक, नए वीडियो में सभी का स्वागत है। अरे हम एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं कि आसपास कहीं चलें, काफ़ी दिन हो गया कहीं गए हुए। ट्रिप से पहले एक कोई भसड़ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो दिखाते हैं। एक भसड़ हो गई, तो ये रही अपनी बाइक, और बाइक में एक इशू ये हो गया है, देखो वायर कट गया है, एक चूहे ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। बाकी रही थी सर हमारी डॉग ने कर दी, पहले चूहे ने काटा इसको, देखते हैं अब इसको सही करवाना पड़ेगा। दिखाया था, तो अभी जा रहे हैं थोड़ा लालबाग काम से, और लालबाग में मिलते हैं आपसे। अभी जो आप कैमरा देख रहे हो ये है आईफोन, और अभी आ चुका है हमारा आईफोन, और इसमें शायद आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। और ये रहा हमारा स्टोर, और अभी चलते हैं बाइक का काम करवाते हैं। गाइस अभी फिर से जा रहे हैं, कल काम नहीं हो पाया था, आधा हुआ था। इसका फ्लैशर भी कुछ गड़बड़ कर गया था कल, कुछ नहीं चल रहा है। सारी वायरिंग ऐसी की तैसी हो रखी है ना, जो एक्सटर्नल मैंने चीज़ें लगाई थी, तो अभी सब फटाफट करवाएँगे आज यार भाई, क्योंकि अब बहुत दिन से कोई ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ ना। कहीं देख लिया करो पहले, और ना कहीं जा पा रहा हूँ। ई रिक्शा वाले ना हाथ ना सिग्नल लप से मोड़ देते हैं, और ये भाई एक कान में फ़ोन लगा के गाड़ी चलाने का क्या मतलब है, कौन सा स्टाइल है भाई ये, खर्च हो जाओगे भाई ऐसे तो भाई, है ना। इसलिए ऐसी हरकतें ना करें रोड पर, क्योंकि अब ना पहले जैसी रोड का माहौल नहीं रहा। अब कोई भी आपको मार के उड़ा के चला जाएगा, क्या ही कर लोगे आप। रोड पर इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है आजकल, अब ध्यान रखना पड़ता है। अभी जो है सारा काम होगा, लाइट का, चार्जर का, और फ्लैशर का, सबके कनेक्शन हटा दिए गए थे कल, और अभी फिर से किया जाएगा। तो बाइक का काम हो गया भाई, बहुत मेहनत लगी इस बार वायरिंग वायरिंग में। लाइट चल रही थी, और अभी हमें जाना है आईफोन का टेंपर लगवाना है। आईफोन ले लो तो साला, आईफोन लेने के बाद उसके खर्चे। मनीष भाई अस्सलाम वालेकुम, और बताएं खैरियत। ये लीजिए, इस पर क्या क्या हो सकता है कर दीजिए। तो भाई आज बाइक वॉश कर दी अच्छे से, अब जल्दी ही लॉन्ग राइड पे निकलेंगे, और एक दो काम और है। बाइक का जो जितना सिस्टम जो ख़राब हो चुका था वो सब ठीक हो चुका है। इसकी वायरिंग ऑक्स लाइट की, इसकी, और हजार्ड फ्लैशर की, इंडिकेटर की, मतलब सारी वायरिंग ख़राब हो चुकी थी, अब सही हो चुकी है। तो हजार्ड काम कर रहा है, क्योंकि हजार्ड एक बार तुरंत चलता है, ये तो काम कर रहा है। बेसिकली मैं कम ही चलाता हूँ इन सबको, इसको बंद कर देते हैं। फॉग लाइट देखते हैं, फॉग लाइट भी काम कर रही है। तो चलते हैं, थोड़ा सा गेड़ी मार कर आते हैं। अभी आ गया पॉलीटेक्निक चौराहे पे। अभी एक्चुअली बाइक में एक और काम करवाया था ना, तो उसको चेक करना है मुझे। ये देखो कैसे लेकर आया है, अब शाम को थोड़ा सा ठंडा सा फील होने लग गया लखनऊ में। आज बहुत दिन बाद मैं शाम को बाइक लेके निकला हूँ यार। मैंने सोचा चलो यार थोड़ा गेड़ी मार कर आया। तो फ्रंट पॉकेट है ना, उसको खोल के, मतलब उसका कवर अवर खोल करके क्लीन करा था, देख रहा था सब सही है एकदम, ग्रीसिंग वगैरह मैंने कर दी अच्छी से। वायरल फीवर के बाद मुझे टाइफाइड हो गया था यार, तो जिसकी वजह से अब दवा अच्छी खासी चलेगी, मुझे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। इस वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं कर रहा था। जिस दिन मैंने बजाज फ्रीडम का वीडियो बनाया था 125cc वाला रिव्यू का, उसी दिन के बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब इनफैक्ट मुझे हुआ टाइफाइड, मम्मी को हुआ, भाई को हुआ, सबको हो गया। तो अभी आ चुके हैं जनेश्वर मिश्र पार्क के पास और अम्बेडकर पार्क के पास, बट उधर नहीं जाएंगे इस टाइम। यहाँ पर लाइट वाइट और लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर, और शाम को लखनऊ में घूमने का मज़ा ही अलग है यार। ये है यूपी दर्शन पार्क, यही वाला। पीछे देखो मेरे, आप इधर बढ़िया सा अम्बेडकर पार्क दिख रहा है।
कितना बढ़िया लग रहा है यार। तो अपन लेंगे यहाँ से यू टर्न क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना है। बाकी लाइट देखो यार क्या मस्त लग रही है, दशहरे वशहरे में कहीं नहीं जा पाया है। तो चलो चलते हैं घर अब। वो तो विंड ब्लास्ट आ रहा होगा कि हवा चल रही है अच्छी खासी। अरे भाई यहाँ रेड सिग्नल का कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है यार, निकाल लें, निकाल लेते हैं। ये शायद दिवाली के उपलक्ष्य में लगाया गया है, सब बढ़िया लग रहा है एकदम। अबे आई लव रा लखनऊ हो गया है, हमारा हट गया है, एकदम बढ़िया सजा दिया भाई। अभी भाई फॉग लाइट का भी थ्रो देख लेते हैं क्योंकि फॉग लाइट मैंने थोड़ी सी एडजस्ट करी थी, ठीक है थ्रो अच्छा काम कर रहा है इसका। कसम से 1000 साल बाद मुझे सिग्नल ग्रीन मिला है पॉलीटेक्निक वाला, वरना भाई रिकॉर्ड है आज तक कभी मतलब ग्रीन नहीं मिला मुझे ये। ये देखो मतलब यार अपोजिट डायरेक्शन में आना तो फैशन हो गया है भाई अब हर जगह, इनफैक्ट हर जगह। तो भाई आप लोग ये सब गलतियां ना करा करें रोड पर वरना खर्च हो जाएंगे, क्योंकि भाई अपनी जान अपने हाथ में है भाई, आजकल किसी को परवाह नहीं है आपकी जान की, इसलिए आराम से चलिए रोड पर, राइड सेफ स्टे सेफ। ब्लॉग को करते ही पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।